गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। द टॉपिक इज इंडियाज नेबर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के पड़ोसी देश के बारे में। वी नो डैट इंडिया हैज़ 28 states and 8 union territories at present time। इस समय इंडिया के अंदर 28 states और 8 union territories हैं। अब से 2 साल पहले इंडिया के अंदर 29 states थे और 7 union territories थी। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर जो था उसको डिवाइड किया गया इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अब ये एक स्टेट नहीं रहा बल्कि ये 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। आप इसको इंडिया के मैप पर भी देख सकते हैं। ये लद्दाख, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, ये 2 यूनियन टेरिटरीज हो गई। लद्दाख की जो कैपिटल है वो समर कैपिटल लेह, एंड द विंटर कैपिटल ऑफ लद्दाख इज़ कारगिल। इसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर की जो समर कैपिटल है वो श्रीनगर और विंटर कैपिटल जम्मू सिटी। 2 यूनियन टेरिटरीज। तीसरी यूनियन टेरिटरीज जो है वो दिल्ली, इंडिया के मैप पे आप देख सकते हैं दिल्ली, चंडीगढ़। इसके बाद 26 जनवरी 2020 में इंडिया के अंदर दमन एंड दीव एंड दादर नागर हवेली बिकम अ सिंगल यूनियन टेरिटरी। इन 2 यूनियन टेरिटरीज को भी एक में डिवाइड किया गया, एक बना दिया गया। ये आप देख सकते हैं ये एक यूनियन टेरिटरी बन गई। लद्दाख, जम्मू कश्मीर 2, लद्दाख जम्मू कश्मीर 2, दिल्ली 3, चंडीगढ़ 4, दमन एंड दीव दादर नागर हवेली 5, पुडुचेरी 6, लक्षद्वीप 7, अंडमान निकोबार आइलैंड 8। इस तरह से इंडिया के अंदर टोटल इस समय 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 29 स्टेट्स की जगह 28 स्टेट्स रह गए। अगर हम इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो इंडियाज़ नेबर्स आर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट।
हम देख सकते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो हैं वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर हैं। चाइना, नेपाल एंड भूटान, चाइना नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ डायरेक्शन, म्यांमार एंड बांग्लादेश, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड दो सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी आर आइलैंड कंट्रीज श्रीलंका एंड मालदीव, श्रीलंका एंड मालदीव, श्रीलंका मालदीव यहाँ पर। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी एंड दिस चैनल इज नोन एज पाल्क स्ट्रेट। अगर हम ये जो रास्ता है ये एक नैरो वाटर बॉडी है जो दो लैंड मासिस को जोड़ रही है, इसको हम स्ट्रेट कहते हैं। तो ये पाल्क स्ट्रेट है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। इसी के बराबर में गल्फ ऑफ मन्नार, ये तीन तरफ से लैंड से घिरी हुई वाटर बॉडी है। ये दोनों ही इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट कर रही हैं। मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। मालदीव जो आइलैंड है वो लक्षद्वीप आइलैंड ये हो गया, इसके साउथ के अंदर यहाँ पर मालदीव आइलैंड मौजूद है। इसके बाद स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग कॉमन फ्रंटियर्स विथ नेबरिंग कंट्रीज, ये जितनी भी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे हमारे इंडियन स्टेट्स के बॉर्डर टच हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सबसे पहले हम बात करें पाकिस्तान की, तो हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान जो कंट्री है उससे हमारे इंडिया के फोर स्टेट्स के बॉर्डर टच हो रहे हैं। इसको भी हम मैप पर देखते हैं कि वो फोर स्टेट्स कौन कौन से हैं जिनसे इंडिया के बॉर्डर, इंडियन स्टेट्स के बॉर्डर टच हो रहे हैं। पाकिस्तान से जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान एंड चौथा गुजरात, यानी कि पाकिस्तान से इंडिया के चार स्टेट्स के बॉर्डर टच हो रहे हैं। अफ़ग़ानिस्तान से सिर्फ कश्मीर, अगर देखें अफ़ग़ानिस्तान ये रहा, इससे सिर्फ कश्मीर जो है वो कश्मीर का बॉर्डर टच हो रहा है। तो अफ़ग़ानिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिससे सिर्फ इंडिया का एक ही स्टेट्स का बॉर्डर टच हो रहा है। इसके बाद चाइना की बात करें तो चाइना से जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये पांच इंडियन स्टेट्स के बॉर्डर चाइना से टच हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल से अगर बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ये पांच स्टेट्स के बॉर्डर नेपाल से टच हो रहे हैं। नेक्स्ट कंट्री इज भूटान। भूटान से सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि चार इंडियन स्टेट्स के बॉर्डर भूटान से टच हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंट्री म्यांमार। म्यांमार से भी इंडिया के फोर स्टेट्स के बॉर्डर टच हो रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार ये रहा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इसके बाद मणिपुर एंड मिज़ोरम। ये चार स्टेट्स हो गए इंडिया के जिसके बॉर्डर म्यांमार से टच हो रहे हैं। लास्ट कंट्री बांग्लादेश। बांग्लादेश से इंडिया के फाइव स्टेट्स के बॉर्डर टच हो रहे हैं। बांग्लादेश ये रहा, वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। ये पांच स्टेट्स हैं इंडिया के जिससे बांग्लादेश के बॉर्डर टच हो रहे हैं। तो हमने ये देखा कि जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज थी उनसे इंडियन स्टेट्स के कौन कौन से बॉर्डर टच हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। व्हाट डू मीन बाय द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? वी कैन डिफाइन अ सब कॉन्टिनेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ए कॉन्टिनेंट। एक सब कॉन्टिनेंट जो है वो एक कॉन्टिनेंट का पार्ट है और इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट बाय नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन एंड सीज। और ये एक कॉन्टिनेंट से अलग हो जाता है कुछ नेचुरल फीचर्स की वजह से, माउंटेंस की वजह से, सीज की वजह से। और ये जो एक सब कॉन्टिनेंट है इसकी अपनी एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और एक कल्चरल आइडेंटिटी होती है। अब कौन सी कंट्रीज़ हैं जो मिलकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाती हैं? तो द कंट्रीज़ मेक इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव। ये वो सारी कंट्रीज़ हैं जो मिलकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाती हैं। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स।